आज पूरे देश सहित जिले के गांव गली मोहल्लों में पल्स पोलियो अभियान चलाया गया। आज हम आपको इसी अभियान से जुड़ी एक विशेष रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं, तो आइए देखते हैं हमारी विशेष रिपोर्ट दिनेश दसुंदी के साथ। हम मौजूद हैं उस स्थान पर जहां पल्स पोलियो का अभियान चलाया जा रहा है। ये इस अभियान को आज हम भले ही साधारण और सामान्य मिले, लेकिन ये वही अभियान है जिसने भारत को पोलियो मुक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम अक्सर कुछ वर्षों पूर्व देखा करते हैं कि जहाँ तहाँ पोलियो के केस देखने को मिल जाते हैं, किंतु पोलियो मुक्त अभियान के बाद देश में अब पोलियो मुक्त हो चुका, हमारा देश अब पोलियो से मुक्त हो चुका है। और इस अभियान का ही नतीजा है कि ये हमारा देश को पोलियो मुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा गया है। वैसे तो पोलियो के लिए कोई विशेष दवा नहीं बनी है, किंतु पोलियो के वैक्सीन से बच्चों को पोलियो से बचाया जा सकता है। पोलियो एक ऐसा संक्रामक रोग है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, यानी नसों को प्रभावित करता है और बच्चों में अपंगता ला देता है। 1961 में पोलियो के वैक्सीन की खोज हो गई थी, किंतु कहीं ना कहीं प्रसार प्रसार की कमियों के कारण देश भर में पोलियो के केस मिलते रहे हैं। किंतु इस अभियान को जब WHO द्वारा प्रमाणित कर चालू किया गया, तो देश में इस अभियान को जोर शोर से शुरू किया गया और इस अभियान का ही नतीजा निकला कि भारत पोलियो मुक्त हो चुका है। हम उन सभी पोलियो अभियान से जुड़े सभी कर्मचारियों और अधिकारियों सभी को सलाम करते हैं जिन्होंने इस अभियान के जरिए भारत को पोलियो मुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज भले ही हम पोलियो को एक साधारण बीमारी मान चुके हो, किंतु एक समय हुआ करता था जब इस वायरस के कारण कई लोग अपंग हो जाया करते थे। इसके मद्देनजर सन 1995 में WHO ने वैश्विक स्तर पर पोलियो उन्मूलन अभियान की शुरुआत कर प्रस्ताव रखा। भारत में भी इसकी शुरुआत जोर शोर से की गई। यह अभियान इतनी तेजी से चलाया गया कि मार्च 2014 में भारत को पोलियो मुक्त होने का प्रमाण पत्र भी मिल गया। हमारे देश में अंतिम पोलियो का मामला 13 जनवरी 2011 को पश्चिम बंगाल में मिला था। इसके बाद से अभी तक कोई भी पोलियो का केस देश में दर्ज नहीं हुआ है। साथ ही फिलहाल बच्चों को पोलियो की जो दवाई पिलाई जा रही है वह पूरी तरह कारगर सिद्ध हो चुकी है। हम आपको बता दें कि पोलियो का वायरस अक्सर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है एवं इस वैक्सीन से पोलियो को खत्म करने में काफी मदद मिल रही है। समय समय पर गली मोहल्लों से शहर शहर तक चलाया जा रहा यह अभियान अब पोलियो को जड़ से मिटाने में कारगर साबित हो रहा है। उनसे दिनेश दसुंदी की रिपोर्ट। तो ये थी आज की हमारी विशेष रिपोर्ट जिसमें हमने आपको बताया कि पल्स पोलियो अभियान ने किस तरह हमारे देश को पोलियो मुक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और किस तरह इस अभियान से हमारा देश पोलियो से मुक्त हो पाया है। आज की विशेष रिपोर्ट में इतना ही। आगे ऐसी ही एक रिपोर्ट के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। कैमरा पर्सन दुर्गेश कुमार के साथ दिनेश दसुंदी, SW24। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।